बियर कार्टेल, एक ऐसा कार्टेल जिसका प्रकोप बहुत लोगों को भयभीत कर देता है एंड बहुत लोगों को आज के टाइम पे भी डरा के रखता है। काफी सारे रिटेल निवेशक, काफी सारे नॉर्मल निवेशक जो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं बाजार में, इन बियर्स के कारण परेशान रहते हैं। बिकॉज एक बुल को इतना समय लगता है किसी शेयर को ऊपर ले जाने पे, लेकिन ये बियर कार्टेल आता और एक बार में ठोक के नीचे ले आता है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, येस बैंक, DHFL, PNB, PC ज्वेलर्स एटसेट्रा, इन सबको जाने में जहां ऊपर 8, 9, 10 साल लगे, नीचे आने में हार्डली 1 महीना लगा था उसी लेवल पे वापस। लाइकवाइज ऐसे अनगिनत शेयर्स हैं और आज उन्हीं कुछ शेयर में से एक शेयर की हम कहानी सुनेंगे जिसने शायद साउथ जाना सीखा ही नहीं है और ये उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है स्कैम सीरीज को और ये थर्ड पार्ट है। आशा करते हैं कि आज के वीडियो से भी, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द पब्लिक डिमांड, ये पूरी इस स्टोरी को अपन सामने ला रहे हैं। आई होप यू आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट, समथिंग आउट ऑफ इट, एंड इससे आपको हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा पता लगेगा। तो समय है 1978 का। 1978 इज बेसिकली द ईयर व्हेन रिलायंस का आईपीओ आता है। धीरूभाई अंबानी, द लेट लेजेंड धीरूभाई अंबानी अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। 10 रुपए का फेस वैल्यू एट पार। मजेदार ये चीज होती है कि एक ही साल के अंदर, उसी साल के अंदर इसका प्राइस हो जाता है 10 रुपीज से 50 रुपीज के ऊपर कोट होता है। What does that mean? इसका मतलब 5 गुना वो शेयर हो जाता है विद इन अ ईयर, एंड विद इन 2 ईयर्स ये यहां से डबल हो जाता है, मतलब 10 गुना। अब यहीं पर कान खड़े हो जाते हैं किनके? बियर कार्टेल के। बियर कार्टेल बोले तो उस समय पे कोलकाता के साइड में, कैलकाटा जो स्टॉक एक्सचेंज रहता था वहां पर काफी डोमिनेंट रहता था एक बियर कार्टेल, जैसे कि आपने सीरीज में भी देखा होगा कुछ एक कार्टेल है। लाइक वाइज मुंबई को जो मैनेज करते थे वो थे मनु मानिक भाई। अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता कि ये कौन थे तो जाके प्रीवियस वीडियो देखिए अपने चैनल पे, यू विल डेफिनेटली लर्न अबाउट हु मनु मानिक वाज एंड हाउ ही यूज्ड टू ऑपरेट इनटू दीज मार्केट्स। अब यहां पर चीज क्या होती है कि रिलायंस का आईपीओ आ गया, जो फ्लोट मिला के, इनके जो इक्विटी फ्लोट मिला के थे वो ऑलमोस्ट 28 लाख 28 लाख शेयर्स के आसपास फ्लोट था। यहां पर इस समय पे बियर कार्टेल प्लस ब्रोकर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, ब्रोकर्स का राज चलता था। ब्रोकर राज कहते थे उस समय पे। इतना बुरा राज चलता था दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर ने जानबूझ के किसी क्लाइंट का घाटा करवा दिया, जैसे आज क्या होता है कि आज अगर कोई घाटा करवा देता है तो यू हैव रेगुलेटर टू कंप्लेन। उस समय पे अगर किसी ब्रोकर के कारण आपको घाटा हो गया तो ये ब्रोकर की कम्युनिटी इतनी क्लोज निट थी और इतनी क्रूर थी कि इंस्टेड ऑफ पनिशिंग वो लोग सपोर्ट करते थे उस ब्रोकर को जिसने चीट करा। वो कहते थे कि भैया अपनी बिरादरी का, अपने समाज का एक क्लाइंट जाए भाड़ में, अपन को इसका देखना। इतना डोमिनेंस चलता था, मोनोपोली चलता था जब तक रेगुलेटर नहीं आए थे, और जब तक NSE स्पेसिफिकली नहीं आया था तब तक इन लोगों का ऐसे ही चलता था। आज भी ये नहीं कह रहे कि ब्रोकर्स की नहीं चलती है, आज भी चलती है, बट आज वो चीज मैनेज करते हैं, पहले वो रूल करते थे, दैट वॉज द डिफरेंस। तो यहां पर सीन ऐसा रहता है कि ब्रोकर्स में जो बियर कार्टेल रहता है, जैसे कि हमने लास्ट 2 सीरीज में बात करी है, इनके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब सुनने मिलता है कि भैया अंबानी है बॉस तो वो तो हीरो है, अंबानी स्टॉक मार्केट का बादशाह है, इसके इसमें किसी ने भी पैसा लगाया तो पैसा बनेगा, एंड दिस समवेयर और द अदर स्टार्ट ट्रबलिंग द बियर ऑपरेटर्स एंड द बियर लीडर मनु मानिक और उनके कोलकाता के जो बंधु थे उनको वो परेशान करने लग जाता है। उनको ये लगता है कि यार बॉस ये बहुत उड़ रहा है एंड इसको अगर अपन ने जमीन पे नहीं लाया तो भाई बहुत लेट हो जाएगा, अपन को दिखानी पड़ेगी औकात कि भैया ब्रोकर ब्रोकर होता है और एंटरप्रेन्योर, तब तो ये शब्द भी नहीं था एंटरप्रेन्योर, ये था। और दूसरी चीज क्या होती थी कि हमारे इंडिया में आज भी एक आउटसाइडर अचानक से जब इंडस्ट्री में घुसता है, हाल फिलहाल में एक बॉलीवुड का केस चल रहा है, बड़ी दुखद चीज है, अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है, बट देखा गया है कि जब भी कोई आउटसाइडर आके आउटशाइन करता है किसी भी फील्ड में तो जो जिन लोगों ने अपनी गद्दी जमा के रखी है ना उनसे हजम नहीं होता। वो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी करेंगे, लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी भी चीज पे वो रोड़ा अटकाने की कोशिश कर देंगे। लाइक वाइज वॉज हैपनिंग विद धीरूभाई। तो इन लोगों ने प्लान किया, एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया। अब इनने प्लान क्या किया, इनने बोला सारे ये बियर्स ने अपना पूरा ग्रुप बनाया कार्टेल स्पेसिफिकली ऑपरेट करने के लिए कोलकाता से, उनने बोले एक काम करते हैं,
लपक बेचते हैं इनके रिलायंस के शेयर एक साथ, और ये सेलिंग शुरू कर दी उन्होंने 18 मार्च से। अब दोस्तों यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ चीजें हैं, जो लोग नए नए शेयर बाजार से जुड़े हैं, दोस्त पीपल हु आर न्यू इनटू द मार्केट्स, दे प्रोबेबली डोंट नो अबाउट दीज फैक्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लाइक द सेटलमेंट साइकिल, द अदर फ्यू थिंग्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो इस समय पे क्या होता है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि आपको पता है अपन बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं, तो ये मार्च अप्रैल का जो महीना था, स्पेसिफिकली मार्च 18 से जो शेयर प्राइस होता है रिलायंस का, वो 131 से 121 आ गया। तो दोस्तों 10 रुपए में लिस्टिंग हुई थी, ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के ऊपर कोट हो रहा था, लेकिन अचानक से 131 से 121 आ गया। अब आज के टाइम पे इस तरह का फॉल इट्स क्वाइट नॉर्मल, बट उस समय पे जब इतनी लिक्विडिटी भी नहीं थी, प्लस इतना ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं था, क्यों नहीं था, बिकॉज ब्रोकर्स का, मैंने जैसा बताया, क्लाइंट चीट होता था तो क्लाइंट का लॉस है, ये लोग कुछ देखते भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लोगों का इतना भरोसा नहीं था। गिनती के कुछ स्टॉक थे जिसमें से लोग निवेश करते थे, उनमें से रिलायंस एक था, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑन लेट धीरूभाई अंबानी जी, बिकॉज उनका एक ऑरा था, उनको सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल चुका था, ही वॉज काउंटेड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड स्पोर्ट्समैन, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ इन दोनों को पूछते थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों इनने धीरूभाई जी ने भी अपना कल्ट चालू किया। अब यहाँ पर सीन क्या हो गया था कि जब ये गिरने लगा तो धीरूभाई अंबानी को एक चीज लगी कि बॉस कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एंड आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। इसके दो रीजन थे, पहली चीज है वो अपना दबाव बना के रखना चाहते थे, दबाव बना रहना चाहिए, मतलब ही वॉन्टेड टू शो दैट येस it's a no-brainer that you cannot mess up with Dhirubhai Ambani. That was number one. And second, because of the emotional attachment with the retail investors, उनको ये लगा कि यार देखो ये जो युद्ध होते हैं bull versus bear में, इसमें घाटा सिर्फ एक ही जन का होता है, छोटे निवेशक। बड़ा ब्रोकर इधर उधर से पैसे अरेंज करके बच जाता है, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, बड़ा निवेशक भी बच जाता है, क्या होगा उनके स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, बाद में वापस वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, लेकिन जो वो रिटेल निवेशक होता है, जो गिनती का इनके भरोसे पे आया और जिसने इन्वेस्ट किया है, वो एक बार लुट गया तो वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा बाजार में। दिस इज एक्चुअली पेनफुल, बिकॉज पीपल एक्चुअली ट्रस्टेड धीरूभाई अंबानी, दे हैड फेथ इन द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ धीरूभाई अंबानी दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस ये उनको रोक लेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि उनको पता था कि भैया स्मॉल रिटेलर तो बायबैक नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो व्हाट ही डिड इज ही प्लांड अ मास्टर आइडिया। उनने अपने मतलब उस समय पर बोलते थे फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस, बट उनने, अब इस पे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, अभी ध्यान से सुनिए एग्जैक्टली हुआ क्या। यहां पर बियर्स बेच बेच के ऑलमोस्ट 10 to 11 lakh शेयर्स बेच चुके थे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्री फ्लोट जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो करीब करीब 28 लाख शेयर है, तो ऑब्वियसली उस समय में इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स नहीं था कि पब्लिक में किस किस के पास है, कौन कौन होल्ड करता है, बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, तो ये प्रमोटर के लिए पता करना वॉज नॉट डिफिकल्ट। प्रमोटर लाइक धीरूभाई अंबानी दो चार फोन लगा के दो चार अपने नेटवर्क से पता कर सकते थे कि किसके पास हमारी होल्डिंग है, तो जैसे LIC के पास थी और कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास थी। तो इनने पहली बात तो क्या करी, इनने अपना मास्टर प्लान खेला उस समय पे। अब मैं उधर के सेटलमेंट साइकिल समझाता हूँ। आज हम इंट्राडे ट्रेड करते तो कैसे, आज शॉर्ट किया 3:15 बजे, मान लीजिए आपने शॉर्ट सेल किया मतलब बेचा, तो आपको एट एनी कॉस्ट 315-320 या लोकल ब्रोकर भी है तो 330 तक आपको कवर करना पड़ेगा, करेक्ट। उस टाइम पे ये चलता था T+14 का सेटलमेंट, मतलब आज आपने सेल किया अब 14 डे तक आप कैरी कर सकते हो, दैट वॉज द प्रिविलेज इट वॉज गिवन। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर जो कैश सेटलमेंट है वो बदला सिस्टम से होता था। थोड़ा सरल तरीके से मैं बताऊं तो जैसे आज के टाइम पे एग्जैक्ट तो नहीं बट आज जैसे फ्यूचर ट्रेड होता है राइट, थोड़ा बहुत उसी तरह से सेटलमेंट साइकिल आप समझ लो। द ओनली डिफरेंस वाज जैसे फ्यूचर में हम रोल ओवर करते हैं, अब रोल ओवर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 rupees का मैंने शेयर खरीदा है ठीक है, और वो अभी चल रहा है 98 इस एक्सपायरी में, अब मुझे अगले एक्सपायरी में अगर मेरे को शिफ्ट करना है, अगर सामने वाली पार्टी जो मतलब वहां पे मुझे बेचेगी, फॉर एग्जांपल नवंबर का मेरे को खरीदना है, वो बोलेगा भाई मैं तो 4 rupees प्रीमियम पे ही दूंगा, दैट्स द मिनिमम कोट आई एम गिविंग, और मुझे रोल करना ही है तो मुझे झक मार के 4 rupees का प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब अगर अक्टूबर की एक्सपायरी 100 rupees में हो रही हो, नवंबर में सेम फ्यूचर मुझे खरीदना है वो 104 पे दे रहा है, तो एट एनी कॉस्ट मुझे रोल ओवर करना है तो मेरे को 4 rupees एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं प्रॉफिट कब निकालूंगा, जब मेरा 110 का प्राइस हो जाएगा तब मेरा प्रॉफिट निकलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं यहां से 10-20% जाएगा इस महीने नहीं तो अगले महीने, तो मैं करूंगा, अदरवाइज आई हैव टू बुक लॉस।
तो यहां पर भी वो बदला सिस्टम चलता था। बदला सिस्टम में ऐसा रहता था कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप एक अमाउंट रहता था जो सेट होता था पर शेयर 1-2 रुपए का, आप वो पे करो उसके बाद आप कर सकते हो, निकल सकते हो। तो बियर कार्टेल ने मार दिए हैं 11 लाख शेयर। अचानक से बाइंग शुरू हो जाती है रिलायंस में, और बाइंग को जिस तरह से शुरू होती है कि ऑलमोस्ट 8-8.5 लाख शेयर्स की खरीदी हो जाती है। खबर पहुंचती है मनु भाई के पास, मनु भाई आते हैं अब थोड़े टेंशन में कि भाई इनको पैसा कौन दे रहा है, मतलब हाउ कम समवन इज बाइंग सो हेविली, बिकॉज उस समय पे प्रमोटर खुद अपने शेयर नहीं खरीद सकता था, देयर वाज अ रूल बायबैक वो नहीं कर सकते, मतलब कोई थर्ड पार्टी कर रही है। कौन सी थर्ड पार्टी इतनी मतलब दयावान हो जा रही है कि ओके फाइन वील बाय रिलायंस, वी हैव सो मच ऑफ फेथ। अब यहाँ पर टेंशन का माहौल तो बन जाता है बियर्स में, बियर्स में एक थोड़ा भौकाल मचने लगता है कि बॉस अगर ये लोग इसी तरह खरीदते रहे तो हमें करने पड़ेगी शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी तो हमारे लग जाएंगे एल, एल मतलब लॉस। तो अब सीन क्या हो जाता है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, कुछ भी समझ में आ रहा है, सीखने मिल रहा है, मेक श्योर आप लाइक कीजिए। बहुत लोग एनग्रॉस हो जाते हैं पूरे सेशन में और लाइक करना भूल जाते हैं। मैं एक और चीज बता दूं, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स जो काफी अच्छे आ रहे हैं हमारे सारे वीडियोस पे, अगर इस वीडियो को जितने जल्दी 3,000 लाइक्स मिलेंगे, ओके लेट्स सेट अप, इतने सारे लोग देख रहे हैं तो 3,000 इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जितने जल्दी 3,000 लाइक्स आएंगे उतने जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ द स्कैम आएगा, जिसमें हम कोलकाता बेस्ड बियर्स की डिटेल में बात करेंगे। काफी लोग कंफ्यूज है कि सीरीज में वो कौन थे, कैसे करते थे, वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेक श्योर आप लाइक कीजिए, एवरी लाइक इज गोइंग टू काउंट। अगर स्लो करोगे तो कोई बात नहीं, आराम से आएगा वीडियो। ये थोड़ा मोटिवेशन अपन को भी मिलना चाहिए, एंड वैसे भी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो गो अहेड एंड डू। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बियर्स में थोड़ा भौकाल मच गया, बियर्स आर नाउ लिटिल फियरफुल एज टू यार बॉस अब क्या किया जाए, यहां तो हम फंस गए। तो अब क्या होता है, अम्बानी जी इसी के साथ दूसरा मास्टर कार्ड खेल लेते हैं। अम्बानी जी को पता है, देखो उस समय पे क्या होता था, बियर्स ने सेल क्या सोच के किया था कि अभी सेल कर देते हैं, प्राइस जब नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे। तो जब अगर मान लीजिए 131 का सेल किया है, अगर वो 110 आ जाएगा तो 110 पे हम बाय कर लेंगे, डिलीवरी का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, बदला का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर गेम तो पलट रही है ना, बिकॉज बायर्स आ गए जो उनने सोचा ही नहीं था। तो अब सीन क्या हो गया, बियर्स ने तो भी सोचा कि एक और प्लान करते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे LIC हो गया और ये सब हो गया, इनको अप्रोच कर लेते हैं, इनको बोलते हैं कि बॉस तुम अपने शेयर्स गिरवी रख लो हमको दे दो, ये बोल के कि भाई हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा करके। इससे फायदा ये होगा कि इनको इमीडिएट डिलीवरी देने नहीं पड़ेगी बुल्स को। तो अब धीरू भाई जी ने एक दूसरा गेम खेल लिया था, इनने 2 कदम आगे सोचा था। उनको पता था कि देखो भाई मेरी कंपनी है, मुझे पता है 28 लाख का फ्लोट है, 11 लाख ये लोग पीट रहे हैं, 8-10 लाख मैं खरीद रहा हूँ, मतलब मैं मतलब हमारे फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बाकी बचे खुचे किसके पास है वो मुझे पता है मेजोरिटी। अगर बियर्स को वो डिलीवरी देनी ही है, बिकॉज डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव सोल्ड, अगर आप उसको कवर अप नहीं करोगे आपको एनीवेज डिलीवरी देनी पड़ती है। तो पॉइंट है अब ये डिलीवरी लाने के लिए ऑप्शन उनके पास बस ये इंस्टीट्यूशन रहता है। तो धीरू भाई जी ने इससे पहले ही उन लोगों को कन्विंस कर लिया था बॉस किसी को डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। तो अब बियर्स और टेंशन में कि बॉस अब तो हमारी बैंड बच सकती है, विल हैव टू डू समथिंग। उनने अपना लास्ट कार्ड खेला, उनने बोला जो हमने बदला सेटलमेंट की बात करी ना T+14, उसमें ऐसा था कि आप 2 रुपए पर शेयर एक्स्ट्रा दो या 1 रुपए पर शेयर एक्स्ट्रा दो और उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले 14 डेज में। तो बियर्स के जो मालिक थे मन्नू भाई, उनने बोला कि ये गेम तो हमने पहले भी खेली है, आगे भी खेलेंगे, जो आगे इनने खेला है हर्षद मेहता के साथ, सेटलमेंट को ही बढ़ा देते हैं, प्लेन एंड सिंपल है, क्या क्या कर लेंगे और कब तक ये बाय कर पाएंगे, लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट। तो उनने बोला भाई हम तो सेटलमेंट बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक कैच था, यहाँ पर कैच ये था कि अगर बायर्स रेडी हो जाते हैं शॉर्ट सेलर्स के शेयर्स खरीदने के लिए तो एक उमदा बदला करके एक टर्म होता था, दैट इज अगर मॉडर्न डे में बोलो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम। बेसिकली बायर्स हैड द राइट टू से कि बॉस वी आर गोइंग टू पे यू एक्स्ट्रा प्रीमियम, आप हमें डिलीवर करो। ध्यान से सुनना, हल्का सा टेक्निकल है, आसानी से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बायर्स के पास राइट होता है कि आप कुछ भी कोट करो उस टाइम पे अंधाधुन। आज जैसे आपको एक्सचेंज पे दिख जाता है 2 रुपए का प्रीमियम 3 रुपए का प्रीमियम फ्यूचर्स में, वहां पर वो सीधे अपने हिसाब से मनगढ़ंत प्रीमियम लगा सकते थे। तो अम्बानी जी के पास बात आई कि बॉस बताओ, अम्बानी जी को पता था कि भाई इनके पास कोई सोर्स नहीं है डिलीवर करने का, तो इनको इन्हीं की पूंछ पकड़ के पीटते। एंड ही सेड बॉस
25 रुपीज का बदला चार्ज होगा. नाउ जस्ट इमेजिन, 1 रुपए के जगह आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो 25 रुपीज, एंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स व्हिच बीयर्स वर सेलिंग उसके हिसाब से इनको 5 करोड़ रुपए एक्सचेंज पे देने पड़ते हैं. नाउ गाइस, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 70s 80s की. उस टाइम पे 5 करोड़ इटसेल्फ वाज अ बिग अमाउंट. ऑब्वियसली यहां पर एक बात बीयर्स को अखड़ रही थी कि ये 5-10 करोड़ तो ठीक है, लेकिन 10 करोड़ की बाइंग आ कहां से रही है जब धीरू भाई अंबानी खुद बाय नहीं कर सकते, तो ये बाय कौन कर रहा है? दोस्तों इसी टाइम पे ये जो समय था, ये समय पे काफी अनिश्चितताएं हर जगह फैलने लग गई थी. रिटेल भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए जो रिलायंस को सपोर्ट कर रहे थे एंड ऑल दोस थिंग्स. बट बीयर्स को एक चीज समझ में आने लग गई थी कि बॉस यहाँ पर जीतना मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हम अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो इतना लॉस होगा कि हम सब के सब बैंकरप्ट हो जाएंगे. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक स्पेशल सेशन खोला गया. पहले 3 दिन के लिए बीएससी बंद हुआ, स्पेशल सेशन सिर्फ रिलायंस के काउंटर पे ट्रेड करने के लिए खोला गया, और ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई कि रिलायंस 201 तक पहुंच गया. गाइस याद रखिये, 10 रुपए का शेयर 201 पे विद इन जस्ट 3-4 years. अब यहां पर बीयर्स ने तो अपने आप बैकफुट पे गए, काफी लोग बैंकरप्ट हुए, काफी लोग पीछे गए, लेकिन जो रिटेल का भरोसा बढ़ गया मुकेश धीरू भाई अंबानी पे, वो दैट वाज गजब का ये कॉन्फिडेंस था. दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बॉस अंबानी जी हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे. That was the time when he actually stood up like a hero. That no matter what, I can actually fight against this thing. अब कुछ साल बाद प्रणब मुखर्जी जी ने जब पार्लियामेंट में एक NRI रिलेटेड एक चीज निकाली थी, तो वहां पर तब पता लगा कि जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा NRIs की तरफ से, इंटरनेशनल फंड्स की तरफ से आया था, करीब 18-20 करोड़, वो आया और रिलायंस में लगा. और मजे की बात है वो सारा का सारा उसी टाइम पे लगा जब रिलायंस के शेयर्स को पीटा जा रहा था. तो इस पे बहुत डिबेट हुई कि ये पैसा डाला किसने, क्योंकि ये जो पैसा आया था वो कंपनीज, ऐसी कंपनीज से आया था जो कंपनीज इस बियर कार्टेल के अटैक के आसपास ही बनी थी, 1-2 दिन पहले बनी थी, डॉक्यूमेंटेशन भी ढंग की नहीं थे, और अचानक से उधर से इतने सारे पैसे आने लग गए. तो 2-3 एलिगेशंस लगे. पहली चीज, धीरू भाई अंबानी को पता था खुद बायबैक नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैसे हो सकता है वो पीछे से राउट इन करके डाल सकते हैं, वो पहली कॉन्स्पिरेसी थी. दूसरी कॉन्स्पिरेसी ये थी कि सही में धीरू भाई अंबानी को इतना सपोर्ट करने वाले लोग आ गए कि इतना पैसा डाल. लेकिन याद रखिए, उस टाइम पे इतना बड़ा पैसा किसी पे लगाना, किसी भी घोड़े पे लगाना इतना आसान नहीं था. तीसरी चीज, मतलब इस पे बहुत डिबेट बना कि कहां से हुआ, कहां से पैसा आया. आज तक कभी भी उसका सोर्स ऑफ फंड पता नहीं चल पाया कि वो कैसे राउट इन करके आया. बट बियर्स भी नहीं पता कर पाए, कोई भी पता नहीं कर पाए. कुछ लोग बोले कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने वहां से पैसा घुमा के किया जो रिलायंस पे बहुत भरोसा करते थे. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कहां से आया होगा पैसा. और इसी के साथ धीरू भाई अंबानी ने अपने आप को सिर्फ अभी एस्टैब्लिश नहीं किया था, एस्टैब्लिश उसके बाद किया था. उसके बाद कब, 1986 में एडवर्टाइजमेंट्स इनने निकाले अपने डिबेंचर इशू के साथ कि अगर 1977 पे रिलायंस में किसी ने 1000 रुपीज लगाए होता तो आज उनके अमाउंट 110 गुना हो जाते, 110 times. दैट वॉज द टाइम वेन ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द कल्ट हीरो ऑफ इक्विटी मार्केट्स. लोगों को समझ में आ गया कि अंबानी मींस एम्बिशन, और एम्बिशन जहां पर है वहां पर हार नहीं होने वाली. एंड दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्टेड रिलायंस सो मच. इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, बिकॉज 1000 रुपीज ऑलमोस्ट 1,10,041 रुपीज हो गया था 1986 में. तो दोस्तों इसी तरह उनने धूल चटाई बियर्स को, इसी तरह रिलायंस आई वन ऑफ द टॉप कंपनीज में. अब ये जो शॉर्ट स्क्वीज वाला मामला था बियर्स के साथ, ये सिर्फ पुराना नहीं है, आज भी होता है. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी होता है. हाल ही में एग्जाम्पल देखिए टेस्ला का, इतने लोग बियरिश पोजिशन बना के बैठे हुए थे, जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ क्या हालत हुई. इनफैक्ट सम एनालिस्ट डाउट कि जो मार्च के फॉल में रिलायंस में एक फॉल आया था और वहां से जिस लेवल पे ये भागा, दैट वाज अनदर मास्टर स्ट्रोक बाय दिस थिंग. अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अपने पिताजी से ही मुकेश भाई ने सीखा है, मोटा भाई ने सीखा है किस तरह मार्केट में दबाव बनाया जाए. तो वो सीखे कैसे, अब इसका सिंपल सी बात है,
1982 का टाइम था, 1982 के टाइम पे मुकेश अंबानी जब वो मात्र 24 इयर्स के थे, 24 साल के थे, तब उनको स्टैनफोर्ड से बुलाया गया और बोला उनके पिताजी ने, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, पढ़ने वालों को अपन हायर कर लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बन के सीधे पाताल गंगा वाली कंस्ट्रक्शन लाइंस को संभालो, और वहां पर उनने अपना मार्क बनाया था। तो जब ये बियर कार्टेल और ये सारी चीजें हो गई थी, इसकी खबर उनको ऑलरेडी थी, और जब उनके पिताजी ने अपने आप को एक बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश किया था, बिकॉज 1982 पे ही ये बियर अटैक हुआ था, तो मुकेश अंबानी जी पूरी तरीके से इस चीज का नोट ले रहे थे कि हाउ टू टैकल बियर अटैक्स। एंड यहां पर एक और सीख मिल गई बियर कार्टेल को कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उसमें हमें जबरदस्ती का अटैक नहीं करना है। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आप आज देखोगे क्यों कोई भी बड़ा बियर कार्टेल एचडीएफसी बैंक को अटैक नहीं करता, कोई भी बड़ा बियर कार्टेल आज भी रिलायंस को अटैक करने से पहले दो बार सोचता है, करता है बट शॉर्ट स्क्वीज में फंसता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि बियर कार्टेल आजकल एक्टिव नहीं है, आज भी वही बियर कार्टेल की वंशज है जो आज बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिव है, बट इस बार उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, द वे दे एक्चुअली ऑपरेट इन द मार्केट हैज बिकम डिफरेंट। अब वो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन से पता कर लेते हैं कि कंपनी कौन सी वीक है जिसके हवाले निकलने वाले हैं। जैसे मुकेश के ही भाई साहब के कंपनीज को टारगेट कैसे किया गया था, जैसे ही बियर कार्टेल ने बिफोर न्यूज वाज आउट पता किया कि कहां कहां पर प्लेजिंग हुई है शेयर्स की, द मोमेंट दे गॉट टू नो, ये न्यूज में तो एक दो महीने बाद आया, उन लोगों को समझ में आ गया कि बेटा प्लेज है तो इसका मतलब हम यहाँ पर मैसिव शॉर्ट्स तो बना सकते हैं, जिन जिनके पास डिलीवरी है उनको मजबूर कर देंगे सेल करने के लिए, और उनने ऐसे ही लोगों को खिला पिला के सेलिंग करवाना शुरू करी कि बॉस बेचो बेचो बेचो, डेरिवेटिव में भी पोजीशन बनाई, इधर भी पोजीशन बनाई, हर जगह पे बैन करवा दिया, और एडीएजी स्टॉक्स की क्या हालत करी भी ऑलरेडी नो। सेम कुछ साल पहले आकृति में भी हुआ था, सेम बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सा है, इन्वेस्ट करना है तो अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में करो, ताकि अगर बियर कार्टेल अटैक भी करता है तो आपको एक अच्छी वैल्यू मिलती है जहां पर आप बाय कर सकते हो। एंड हमेशा हमेशा जिस कंपनी में बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है उसे अवॉइड करो। दोस्तों कुछ भी समझ में आया, पसंद आया तो मेक श्योर लाइक करो, 3000 लाइक का टारगेट है, एंड कमेंट सेक्शन में भी याद से लिखो इफ यू आर रियली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्कैम सीरीज टू बी आउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।